हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो को हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान इन बिग बॉस। रोस्ट किया बेसिकली ट्रिगर्ड इंसान है अपने ही भाई को, जो फुकरा इंसान है, इनका भाई अपने है, भाई को नहीं किया, भाई एंड फुकरा पुनीत। इंसान लिखा हुआ है, अच्छा, दोनों को शायद दोनों को रोस्ट किया हुआ है। किया है। और पुनीत सुपरस्टार तो बेचारे वो एक उसको दिन रोस्ट करने की एक जरूरत ही नहीं है, नहीं वो वो मैं एक दिन रहा, उसको निकाल दिया एक ही दिन। एक दिन रहा। अच्छा, मैं बिग बॉस नहीं देखता, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान को मैं देखता हूँ। हमारे घर में खाना खाने के लिए आटा तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ओके, हमारे पास तो घर ही नहीं है, गटर में रहते हैं भाई, कोई फर्क पुनीत नहीं पड़ता। सुपरस्टार। अपन बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अपनी जिंदगी चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले की जिंदगी के कलेश देखना। आई लाइक इट। जी हाँ, बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर लेता है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखती है ना तुम ये गया। शो के ना अमेजिंग। 6-6 घंटे तो जिन लोगों को नहीं पता है, बिग बॉस का एक नया सीजन आ चुका है और इस बार तो 24/7 लाइव चल रहा है और कुछ वेले लोग पूरे पूरे दिन बैठ के उस लाइव को देखे जा रहे हैं। रात को लोगों को सोते हुए देख रहे हैं, दिन में उनको कान खुजाते हुए देख रहे हैं, दोपहर में उनको पॉटी करते हुए देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है पता नहीं। अरे मेरे तो मम्मी पापा तक देख रहे हैं यार। मैं कैसे बोलू मेरे मम्मी पापा को कि बंद करो भाई, परेशान हो चुका हूं मैं। सुबह उठते के साथ बिग बॉस देखना शुरू करते हैं और आधी रात तक देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि मेरा सगा भाई, मेरा अपना खून अभिषेक एके फुकरा इंसान आया हुआ है ना इस सीजन में बिग बॉस के। वैसे तो मैंने अभिषेक को पहले मना किया था कि तू क्यों जाना चाहता है बिग बॉस में, वेले लोग जिनके पास काम धंधा नहीं होता करने को, जिनके करियर खत्म हो जाते हैं, वो जाते हैं बिग बॉस में, तू क्या करेगा जाके। बट उसने एक चीज काफी अच्छी बोली थी कि यार यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को पहली बार बुला रहे हैं ऐसे, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक, क्रिएटर्स कम्युनिटी के हमारे दो लोग, बिग बॉस जैसे लेवल पे, इट्स अ बिग डील। मैंने कहा ठीक है यार, सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे। और फिर इन लोगों की एंट्री हुई फाइनली बिग बॉस में। अभिषेक मल्हान बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ऑडियंस से एक वोटिंग करवाई थी और उस वोटिंग के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट की रैंकिंग डिसाइड होनी थी। तो अभिषेक को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उसकी रैंक वन आई। जैसे ही उसकी रैंक वन अनाउंस हुई, फुकरा इंसान एक पर है। इन सब की शक्लें देखो, इनके तोते उड़ गए, दे वर इन डिसबिलीव, शॉक में आए लोग के भाई ये कौन है, ये हु इज दिस अभिषेक फुकरा इंसान, ये तो बस एक यूट्यूबर है ना, ये एक यूट्यूबर होके रैंक वन पे कैसे है, इसको देखो, ओ माय गॉड, ओ वाओ, रैंक वन, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे तुमने बचपन से सलमान खान को देखा है, उनकी मूवीज देखते आ रहे हो, उनके बहुत बड़े फैन हो एंड तुम फाइनली उनके साथ सेम स्टेज पे खड़े हो, वो भी लाइव टीवी पे। कैसा फील हो रहा होगा तुमको? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही होगी ना। एंड उसी नर्वसनेस के चलते हुए एक वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा एंड बिफोर वो अपना क्वेश्चन खत्म करते, अभिषेक ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं आपके अंदर। एट दैट मोमेंट मैं आप सवाल सुनेंगे, लाइन मत पार कीजिए। देखो आई एग्री, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर तुमसे कुछ पूछ रहा होता है या कोई अपनी बात कर रहा होता है तो तुम उनको बीच में नहीं काटते, तुम वेट करते हो कि वो अपना क्वेश्चन या फिर अपनी बात कंप्लीट करे, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो। तो हाँ, अंकल जी यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बींग डिसरिस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो, बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखा है? हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंडी? कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? नहीं, नकली हवा भर रखी है, नकली हवा, नकली हवा, 3-4 बार बोला उन्होंने नकली हवा भर रखी है। देखिए वैसे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी के साथ हम्बल होके, ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के रहना चाहिए, एंड अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया था कि ये एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। बट स्टिल अंकल जी, आप अपनी जिस बबल में जी रहे हो ना, जिस स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो जिसमें आपको लगता है कि नकली हवा है, मैं आपको बता दूं हवा तो यूट्यूबर्स की चल रही है। आप इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा अनइन्फॉर्मड एंड इग्नोरेंट है के, बट यूट्यूबर्स आर द रियल डील राइट नाउ, और आप लोगों को भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, बट आएगा जरूर। और अंकल जी वैसे तो कोई घमंड नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि हवा है तो फिर वो नकली नहीं है, फिर तो एकदम शत प्रतिशत 100% असली हवा है। यू आर राइट ब्रो। अभी बिग बॉस वाला सीजन स्टार्ट इन्होंने ये बोल के किया था कि भाई ऑडियंस के वोट ही मैटर करेंगे, ऑडियंस के वोटिंग पे है सब कुछ, ऑडियंस के वोटिंग पे रैंक वन आया था अभिषेक। फुकरा इंसान एक पर है और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था, इन्होंने उसको रैंक 6 पे डाल दिया, यानी 75,000। ये गुड्डा मेरे बीच में और सिर्फ अभिषेक को ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पे आया था, अरे नंबर 2 पे हो आप, उसको भी भाई रैंक 2 से सीधा बॉटम पे डाल दिया। तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की, मेरे साथ अन्य
भाई तो फिर फायदा क्या ऑडियंस वोटिंग किस बात की बोल रहे हो तुम? ऑडियंस का वोट मैटर, ऑडियंस का वोट मैटर बोल बोल के पूरा सीजन बनाया और भाई ऑडियंस की वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची जब पैनल के डिसीजन पे सबको डिसाइड होना था। तो भाई ऑडियंस से वोट करवा के हमारा क्यों काट रहे हो? ऑडियंस का वोट मैटर है बच्चों। और इसके बाद तो जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज हुई बिग बॉस के घर में, टू सस अमंगस में इतना टू सस मोमेंट नहीं हुआ जितना बिग बॉस के घर में पहले ही दिन हो गया। पुनीत सुपरस्टार ने पूरे दिन घर में कोहराम मचा दिया, लाइक जो कलेश वो कर सकता था ना उसने किया। ये देखिए रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। बिग बॉस में आपको एक ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऐसे ही लोगों को कलेश करके इरिटेट करे, पूरे दिन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये चपरी नल्ले बेरोजगार बोले जा रहे हैं, हर एक को परेशान कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं, ये करो वो करो। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पहले दिन घर से निकाल दिया। व्हाट, ये क्या हो गया? आई मीन बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने ना जाने किस किस लेवल के कलेश करे हैं, मारपीट करी है, चीखा चिल्लाया है। डॉली बिंद्रा याद है तुम्हें? यार उसने कितना चीखा है, कितना चिल्लाया है, किस किस के साथ लड़ाई करी है, क्या क्या ड्रामे करे हैं, उसको तो नहीं निकाला था। इमाम सिद्दीकी आया, वो क्या अजीब अजीब सी हरकतें करता, उसको तो नहीं निकाला। स्वामी ओम आया, वो तो मूत दिया था किसी के ऊपर, उस तक को नहीं निकाला। और पुनीत सुपरस्टार को किस लिए निकाल दिया, कि उसने बाथरूम में पॉटी फ्लश नहीं करी या फिर वो पूरे दिन छपरी नल्ले बेरोजगार चीख रहा चिल्ला रहा था? टू सस भाई, आई एम कम्प्लीटली फ्लैबरगैस्टेड एंड कम्प्लीटली माइंड ब्लोन बाय द फैक्ट दैट पुनीत सुपरस्टार वाज evicted from the house on the first day when this has never happened in the history of Big Boss. This was the first time. And why? Just because he's a creator? क्योंकि वो कोई TV वाला star नहीं है या फिर वो कोई film star नहीं है जिसको तुम निकाल सको. Very sus man. अभिषेक ने एक जगह बोल दिया कि मुझे नहीं पता पूजा भट्ट कौन है. नहीं जानता तो अब क्या बोलूं? जीरो अभी अंदर आई थी, ये कह रहा है ये पहचानी उन्हें देख रहे ऐसे। यार मैंने बोला तू पूजा भट्ट है भाई, लोग पीछे पड़ गए उसके, तू पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? पूजा भट्ट, ओ माय गॉड, पूजा भट्ट, तू तू धर्मेंद्र को नहीं जानता? यार धर्मेंद्र को जानता, सनी देओल को नहीं जानता? आप कह रहे हो धर्मेंद्र, मैं कह रहा हूँ इस बात का मुद्दा क्यों ना रहा हूँ, मैं शक्ल से नहीं पहचानता, आई डोंट रिकॉग्नाइज हर। अरे नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता पूजा भट्ट कौन है, हमारे पैदा होने से पहले वो फिल्मों में थी, अब नहीं जानते उसको। एंड वैसे भी भाई कौन है पूजा भट्ट? आलिया भट्ट की बहन या वो जिसके पापा ने ये बोला था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ ये पूजा भट्ट, ओके ओके अच्छा ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए था, सॉरी गाइस मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, अभी इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही यूट्यूबर ही तो है, यूट्यूबर ही तो है, एज इफ भाई यूट्यूबर होना कोई बुरी बात है। यार एक ना बहुत क्लियर चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है ना, इन लोगों को यूट्यूबर्स की पावर के बारे में नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स ने कितनी ऑडियंस कमाई है, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स को ऑडियंस का कितना प्यार मिलता है। एंड इन लोगों को, इन इग्नोरेंट लोगों को भाई ऐसे ही जी लेने दो। मैं फ्लेक्स नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि हम्बल रहने का है, लेकिन भाई जितना ये बंदा एक साल में कमाता है ना उतना अभिषेक एक, रहने दो छोड़ो यार, पैसे की कंपैरिजन करना यार इज नॉट द वे, लेकिन ये यूट्यूबर ही तो है, ये जिस तरीके से ये बोलते हैं ना एज इफ दे वांट टू डिमीन इट, इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही, वही यूट्यूबर फर्स्ट वीक का तो विनर बन चुका है ऑलरेडी, अभी पूरे सीजन का भी बनेगा एंड तब इन लोगों को समझ आएगा कि यूट्यूबर ही तो है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। भुवन बाम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया, यूट्यूबर ही तो है। आशीष चंचलानी यूएस जाके मार्वल वालों साथ वीडियोस बना रहे, यूट्यूबर ही तो है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इतने सारे यूट्यूबर ही तो है। और ये बंदा प्यार भैया आप तो सीरियल वाले हैं। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाच। यार अच्छा ये पुनीत सुपरस्टार वाला मुझे नहीं पता था कि इसको पहले दिन ही निकाल दिया था, इसको पहले दिन निकाल दिया और मैं बोल रहा था निकालना निकाल दो जो करना कर लो, मैं किसी से बोल नहीं सकता। किस बात किस पे निकाला है कि ये ज्यादा चिल्ला रहा था, ये क्या ये वही जो अपना करता रहता है ना, हार्ट अटैक, ये कुछ ऊपर गिराता रहता है चीजें और ये वो। बिग बॉस ने घर वालों से पूछा तो मैं माफी नहीं मांगूंगा बिग बॉस से, फिर बिग बॉस ने घर वालों से पूछा आप उसके साथ रहना चाहते हो, दादा ने कहा कि नहीं हम नहीं रह सकते, तो उसको जहरी सी बात है, सारा ने यही कहना है नहीं रहना चाहते, सारा दिन हर बंदे को उंगली करा रहा है, हर बंदे को उंगली करा रहा है। अभी तक होता, अभी तक बहुत एंटरटेन कर रहा होता ये बंदा, ये पागल हो जाते सारे अंदर वाले, या तो सारे अंदर वाले सेम उसके जैसे हो जाते, या तो उन्होंने उसका मार मार के ना बदूसा बना देना था। लेकिन
ऑडियंस को मजा आ रहा था इस बात से भी इनको कितनी टीआरपी मिली कि वो आया और पहले दिन उसको निकाल दिया। सोचो ना ये हाइप बन गया। लेकिन इनकी इनकी एप्लीकेशन को मैंने मैंने एक चीज वन की रेटिंग लोगों ने देनी शुरू कर दी थी इनकी एप्लीकेशन को। काफी तो खैर मुझे भी लगता है कि अभिषेक ही जीतेगा जो फुकरा इंसान है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। लोगों की पसंद भी आ रहा है बेसिकली। हाँ वगैरह मेरे पास भी कुछ इसी तरह की वीडियोस वगैरह आती रहती है। तो खैर वीडियो तो मजे की थी और इसकी वैसे भी वीडियोस अच्छी ही होती हैं लेकिन अच्छे तरीके से अच्छे वे से डिफाइन किया सारी चीज़ों को। तो इंटरेस्टिंग थी वीडियो। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हो वो भी आप लोग बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।